गजेंद्र मोक्ष। भगवान श्री विष्णु और गजेंद्र की अनसुनी कहानी। यह बहुत प्राचीन काल की बात है। द्रविड़ देश में इंद्रद्युम्न राजा राज्य करते थे। वह भगवान श्री विष्णु के परम भक्त थे। वह भगवान की आराधना में ही अपना अधिक समय व्यतीत करते थे। उनके राज्य में सर्वत्र सुख शांति थी, प्रजा संतुष्ट थी। इंद्रद्युम्न का ऐसा भाव था कि भगवान श्री विष्णु ही उनके राज्य की व्यवस्था करते हैं। वह कृतज्ञता भाव से अपने प्रभु की उपासना में ही मग्न रहते थे। उन्हें राज्य, कोष, प्रजा तथा पत्नी आदि किसी का भी स्मरण नहीं रहता था। राजा इंद्रद्युम्न के मन में ईश्वर भक्ति की लालसा दिन प्रतिदिन और अधिक बढ़ती ही गई। इस कारण उन्होंने राज्य का त्याग कर दिया और वह मल्य पर्वत पर रहने लगे। उनका वेश तपस्वियों जैसा था। सिर के बाल बढ़कर जटाएं बन गई थी। एक बार राजा इंद्रद्युम्न प्रतिदिन की भांति स्नानादि कर प्रभु की उपासना में तल्लीन थे। उन्हें बाह्य जगत अर्थात अपने आसपास क्या घट रहा है उसका भान न था, का तनिक भी ध्यान नहीं था। उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंचे। राजा ध्यानस्थ बैठे हुए थे। उन्हें महर्षि के आने का पता ही नहीं चला। महर्षि का यथोचित स्वागत न होने से वह क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर महर्षि ने राजा इंद्रद्युम्न को शाप दे दिया। इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा ग्रहण नहीं की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़बुद्धि है, इसलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भगवत भक्त इंद्रद्युम्न को यह शाप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रद्युम्न ने इसे श्री भगवान का विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। राजा इंद्रद्युम्न को महर्षि के शाप के कारण हाथी की योनि में जन्म मिला। आगे क्या हुआ? क्षीराब्धि में लंबा, चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर एवं श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में भगवान वरुण का ऋतुमान नाम का जलक्रीड़ा करने का सरोवर था। उसके चारों ओर दिव्य वृक्ष थे। वे वृक्ष सदा पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी सरोवर के समीप एक घना जंगल था जिसमें अनेक हाथी हथिनियों का समूह रहते थे। महर्षि के श्राप से इंद्रद्युम्न राजा को हाथी की योनि प्राप्त हुई थी। वह भी इसी जंगल में रहते थे। वह अत्यंत शक्तिशाली और पराक्रमी थे। उसका नाम गजेंद्र था। एक बार गजेंद्र प्यास से व्याकुल हो गया। वह प्यास बुझाने के लिए पानी ढूंढ रहा था। ऋतुमान सरोवर में अनेक कमल पुष्प खिले हुए थे। उन कमल पुष्पों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। अपनी ओर आती हुई कमल की गंध से गजेंद्र अपने साथियों सहित उस विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा। गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल, शीतल और मीठे जल को पीकर अपनी प्यास बुझाई। उस जल में स्नान कर अपनी थकान दूर की। उसके बाद गजेंद्र ने अपने साथियों के साथ जलक्रीड़ा आरंभ की। क्या आप जानते हैं कि हाथियों को पानी में खेलना बहुत भाता है? जल क्रीड़ा करते करते अचानक गजेंद्र ने सून उठाकर चीत्कार की। एक मगर ने उसका पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए पूरी शक्ति लगाई, परंतु पैर नहीं छूटा। अपने स्वामी गजेंद्र को आहत देखकर उसके साथी अत्यंत व्याकुल हो गए। वह सून उठाकर चिंघाड़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरे प्रयास किए, परंतु वे सफल नहीं हुए। सरोवर में जिस मगर ने गजेंद्र का पैर पकड़ा था, वह भी हुहु नाम का एक शापित गंधर्व था। महर्षि देवल के शाप वह मगर बन गए थे। वह भी अत्यंत पराक्रमी थे।
संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र स्वयं को जल से बाहर खींचता और मगर गजेंद्र को जल में भीतर खींचता। मगर की शक्ति जल में दोगुनी हो जाती है। सरोवर का निर्मल जल गजेंद्र के रक्त से लाल हो गया था। गजेंद्र और मगर का संघर्ष 1000 वर्ष तक चलता रहा, फिर भी वह दोनों जीवित थे। यह दृश्य देखकर सारे देवगण चकित हो गए। अंत में गजेंद्र का शरीर शिथिल हो गया। उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रह गया। परंतु जलचर होने के कारण मगर की शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। उसकी शक्ति प्रतिदिन बढ़ रही थी। अब वह नवीन उत्साह से अधिक शक्ति लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूर्णतया निराश हो गया। उसी समय गजेंद्र को भगवान का स्मरण हुआ। पूर्व जन्म में गजेंद्र द्वारा की गई भगवान श्री विष्णु की भक्ति का स्मरण हुआ और उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं काल के भय से चराचर प्राणियों की रक्षा करने वाले भगवान श्री विष्णु की शरण में जाता हूँ। इस निश्चय के साथ गजेंद्र ने अपने मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्तोत्रों द्वारा परम प्रभु की स्तुति की। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वव्यापी भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो गए। गजेंद्र की पीड़ा को देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ हुए और ऋतुमान सरोवर के तट पर प्रकट हुए। जब जीवन से निराश तथा पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने अपने समक्ष हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर बैठे भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, हे नारायण जगद्रू भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। गजेंद्र को अत्यंत पीड़ित देखकर भगवान विष्णु ने गजेंद्र के साथ मगर को भी सरोवर से बाहर खींच लिया और तुरंत ही अपने सुदर्शन चक्र से मगर का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। सभी देवी देवताओं ने श्री विष्णु की प्रशंसा करते हुए उन पर पुष्प वृष्टि करने लगे, उनका गुणगान करने लगे। मगर के रूप से शाप मुक्त होकर हूँ गंधर्व ने प्रभु की प्रदक्षिणा की और श्री विष्णु के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और वह गंधर्वलोक चले गए। भगवान श्री विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना सेवक बना लिया। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान श्री विष्णु ने कहा, प्रिय गजेंद्र, जो लोग ब्राह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा नित्य स्मरण करेंगे उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि प्रदान करूंगा। इतना कहकर भगवान श्री विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर बैठकर अपने दिव्य धाम को चले गए। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, धन्यवाद।